दोस्तों हमारी गोवा एक्सप्रेस, जिसके साथ हमारी अभी रेस लग चुकी है दोस्तों। और वेब सेवन हमारी अपने आप में काफ़ी पावरफुल इंजन है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने वेब सेवन से वेब फोर को, मतलब कोलकाता एक्सप्रेस ने गोवा एक्सप्रेस को हरा दिया है दोस्तों। देखिए साइड में चल रहा है वो इंजन, और हम पहुँचेंगे बेंगलुरु बस 1200 मीटर की दूरी पर दोस्तों। और भाई ये देखिए नज़ारा है यार, भाई ये देखो क्रॉसिंग, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गेम जर्नी। तो दोस्तों आज हम चलाने जा रहे हैं कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि हमारा लोकोमोटिव रहेगा वेब सेवन, और अपने आप में काफी पावरफुल है ये वेब सेवन का इंजन हमारा, जो हमने खुद डिजाइन किया है, जो कि भुवनेश्वर से बेंगलुरु की दूरी पर रहेगा दोस्तों। और दोस्तों जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले दोस्तों और मैं अच्छे अच्छे गेम्स आपके सामने प्रेजेंट करूं दोस्तों। देखिए हमारी ट्रेन अभी खड़ी हुई है भुवनेश्वर के स्टेशन पर। एक काफ़ी सुंदर वेब सेवन का इंजन आपको सामने देखने को मिल जाता है, जो कि कोलकाता एक्सप्रेस को आज लेकर चलेगा अपने यहाँ से। तो दोस्तों देखिए मैं डोर्स ओपन कर देता हूँ, ताकि पैसेंजर्स आप बैठ जाएं जल्दी से और हम फिर इस ट्रेन को चला सकें। तो दोस्तों देखिए हमने डोर्स ओपन कर दिए हैं भाई, और हमारा इंजन स्टार्ट हो ही चुका है, डोर्स ओपन हो गए हैं, पैसेंजर्स बैठ रहे हैं दोस्तों। और हम इसको टाइम से निकालेंगे विजयवाड़ा के लिए। नेक्स्ट जो स्टेशन हमारा होने वाला है वो विजयवाड़ा होने वाला है। अभी हम डोर्स को फिलहाल दोस्तों बंद कर लेते हैं, और ट्रेन को थ्रॉटल को थोड़ा सा पुश करते हैं। देखो भाई इंजन यार, अगर इंजन पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो थैंक यू सो मच उनके लिए दिल से, और नहीं किया उनके लिए भी दिल से थैंक यू सो मच। हम फिलहाल थ्रॉटल को पुश कर देते हैं दोस्तों, और हमारी ट्रेन देखिए निकल चुकी है भुवनेश्वर स्टेशन से। पहले हॉर्न देते हैं दोस्तों, और भुवनेश्वर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है अभी विजयवाड़ा के लिए, जो कि विजयवाड़ा अभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ यार 1804 मीटर की दूरी पर है विजयवाड़ा। तो दोस्तों देखिए जर्नी काफ़ी हसीन वादियों के साथ निकलेगी, काफ़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और विजयवाड़ा ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे दोस्तों। 54 मिनट का टाइम हमें दिखा रखा है, लेकिन हम बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे विजयवाड़ा। 1787 मीटर की दूरी पर है भाई विजयवाड़ा, और 60 मीटर की दूरी पर हमारा ट्रैक चेंज होगा दोस्तों, तभी हम विजयवाड़ा के लिए जाएंगे। और भाई यार लाइट देखना यार, दिल से सैल्यूट है इस वेब सेवन के इंजन को, और लाइट देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, और येलो कलर में हमने इस इंजन को डिजाइन किया है। तो आप जरूर बताना भाई कैसा लगा आपको ये वेब सेवन, जो पहले आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर में देखा होगा, जितने भी मेरे गेम्स हैं उसमें, क्या किसी और के चैनल पे आपने देखा होगा, तो व्हाइट कलर में था, हमने डिजाइन करके इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्यारा है। और देखो दोस्तों यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज होता है, और आगे 150 मीटर की दूरी पर ग्रीन सिग्नल भी है दोस्तों। तो वेलकम है आपका, काफ़ी काफ़ी हार्दिक स्वागत रहेगा आपका दोस्तों इस वाली जर्नी में। और देखो भाई मेरा फेवरेट इंजन एक बार निकल गया है अपनी कोलकाता एक्सप्रेस को लेकर के, जो कि विजयवाड़ा के लिए निकल चुका है दोस्तों भुवनेश्वर से, और 1650 मीटर की दूरी पर हमारा विजयवाड़ा आने वाला है दोस्तों, जो कि हम काफ़ी जल्दी ही पहुँच जाएंगे टाइम से दोस्तों। स्पीड अभी हमें लिमिट मिली नहीं है, जो कि स्पीड लिमिट हमारी अभी सिर्फ 50 की है, तो हम आराम से इसको क्रॉस करेंगे। और आगे देखो अभी मेरी स्पीड लिमिट बढ़ गई है, तो हम अभी स्पीड लिमिट की तरफ थोड़ा सा नज़र डालते हैं और स्पीड लिमिट को बढ़ा देते हैं। और देखिए दोस्तों सामने एक क्रॉसिंग ब्रिज दिख रहा है आपको, जो ऊपर से हाईवे बना हुआ है, क्योंकि विजयवाड़ा बेंगलुरु भुवनेश्वर हाईवे है, जो क्रॉस करके बस और ट्रेन नॉर्मल टैक्सी टूर एंड ट्रेवल ये सब गाड़ियाँ चलती हैं उसके अंदर। हमारी ट्रेन भाई कितनी प्यारी लग रही है यार, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको जर्नी पसंद आ रही है तो आप एक लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी हम फिलहाल हम अलकनंदा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, और इस रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 105 किलोमीटर की स्पीड पर। और देखिए हमने ड्रोन शॉट लिया है दोस्तों, ड्रोन शॉट अगर हमने नहीं लिया वीडियो में तो दोस्तों कुछ भी नहीं लिया आई थिंक, और ना भी लेते हो, लेकिन भाई मैं जरूर लेता हूँ, देखिए भाई कितना प्यारा स्पीड हो गया, और
भाई देखिए, हसीन वादियों में से निकल रही है ट्रेन अपनी, उसके लिए आपको एक लाइन का पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए कितनी स्पीड पकड़ ली है अभी, 129 की स्पीड हमने पकड़ ली है दोस्तों, क्योंकि अपने आप में काफ़ी होती है। वैसे इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं भागती है, क्योंकि वंदे भारत भागती है बस, जो कि 135 की स्पीड आई थिंक उसकी होती है, 130 135। बाकी ऑलमोस्ट जो भी ट्रेन है वो 120 130 मैक्सिमम होती है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस की 130 की आई थिंक स्पीड है। जब मैं उसमें गया था बैठ के तो 115 120 और 125 तक ही गई थी वो। देखे आगे रेड सिग्नल आ गया दोस्तों, और विजयवाड़ा हमारा आ गया है दोस्तों। तो विजयवाड़ा पे हम ट्रेन को रोकते हैं और यहाँ पर पैसेंजर्स को उतारते हैं, और बाकी आगे करेंगे हम कंटिन्यू जब हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों गेम में बने रहने के लिए धन्यवाद। और देखिए अब ट्रेन को हमने रोक दिया है विजयवाड़ा स्टेशन पर, जो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। और देखिए लोडिंग हो रहा है अभी, यहाँ पर पैसेंजर्स हमने उतार दिए हैं दोस्तों, और पैसेंजर्स अब बैठेंगे। और अब हमारे यहाँ पर ड्राइवर साहब भी अभी चेंज हो जाएंगे, जो कि अब आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे विजयवाड़ा से बेंगलुरु तक की। तो दोस्तों देखिए अब मेरा गेम अभी ऑलमोस्ट लोड हो गया है और विजयवाड़ा से हम अब निकलेंगे। पहले मैं डोर्स को ओपन कर देता हूं दोस्तों। अब दिन में देखना भाई वेब 7 कितना सुंदर लग रहा है यार इंजन, यार देखो एक लाइक इसके लिए बनता है भाई। व्हाइट कलर में इतना प्यारा नहीं लग रहा था मुझे, बट यार अलग ही लग रहा है लिटरली, बहुत प्यारा लग रहा है यार देखो इंजन। वेब 7 बहुत पावरफुल इंजन है दोस्तों, 180 किलोमीटर की इसकी स्पीड लिमिट है, लेकिन हम जो चला सकते हैं ओनली 140 तक मैक्सिमम हमें छूट मिलती है चलाने की, वो भी कहीं कहीं पर। और जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे हमें बहुत स्लो कर लेनी होती है ट्रेन, ताकि हम हमारा कोई चलान वगैरह ना बना के चला जाए। और देखो अब दोस्तों हम टोटल पुश करते हैं, 40 पैसेंजर बैठ गए हैं विजयवाड़ा से, और बेंगलुरु की जो हमारी जर्नी है काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो अभी जो हमारी स्पीड लिमिट है भाई मुश्किल से 20-25 की है, 30 की 30 की स्पीड है, और आगे हम स्पीड को बढ़ाएंगे जब हमारी स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी। और देखिए दोस्तों अभी नाइट हो गई है, तो फिर 1 वीक का ये टूर पैकेज था दोस्तों, अभी हम हमारा ये लास्ट डे समझो और हम बेंगलुरु पहुंचेंगे। देखिए भाई इसकी लाइट कितनी तेज है यार, वेब 7 लिटरली यार बड़ा मज़ा आता है मुझे वेब 7 के साथ ट्रेन को चलाने में। और भाई देखिए डोर्स में भी जितने भी बोगी हैं जितने भी कोचेज हैं सब के लाइट जले हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट है भाई, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सभी कोचेज के लाइट जले हुए हैं और इंजन की भी लाइट जली हुई है। नेक्स्ट स्टेशन हमारा बेंगलुरु है, ट्रैक चेंज तो 24 मीटर में है भाई। देखो स्पीड हमने ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़ा दी और हॉर्न मारते हुए हम चलेंगे फिलहाल। और आगे एक छोटी सी क्रॉसिंग आने वाली है दोस्तों, जो कि एक मतलब छोटी सी रिवर उसको कह सकते हो, नदी कह सकते हो, नाला कह सकते हो। 150 मीटर के हमें किलोमीटर की स्पीड का हमें बोल दिया गया है कि आप 150 मीटर के अंदर आप रख सकते हो ट्रेन की स्पीड को, बट हम और स्लो करके थोड़ा सा चलेंगे, 150 पे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम जाएंगे तो भाई 130 135 138 138 से मैं क्रॉस नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि पता नहीं चलता कभी भी इमरजेंसी हो जाए तो ट्रेन मारनी पड़ जाए तो हमारी ट्रेन इजी नहीं मिलती। देखो भाई क्या सुंदर नज़ारा है यार, छोटा सा झरना नाले या नदी हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखिए कोई रिवर है जो हमने क्रॉस किए। देखो बोगी शोर आपको देखने को मिल जाता है मेरे वीडियो के अंदर, और 1 घंटे 58 मिनट की दूरी पर दोस्तों बेंगलुरु है ट्रेन अपनी पकड़ ली। और ये देखिए भाई अंदर से कितना मज़ा आ रहा है ट्रेन को चलाने में, इंजन की तरफ से देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। आगे हमारी रेस भी लगने वाली है दोस्तों, और जो कि हो सकता है आपका वेब 4 या वेब 7 के इंजन से ही हमारी रेस लगने का हो जाए, बट अभी तक तो ऐसा नहीं है आगे, लेकिन हो सकता है। भाई देखो यार स्पीड देखो दोस्तों, क्या सुपर फास्ट ट्रेन यार जब चलती है ना, जब हम खुद जाते हैं बैठ के, मुझे लग रहा है तब भी इतनी स्पीड नहीं होती यार। ये देखो भाई मज़ा आ गया यार सच में यार, आपको जर्नी में इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। 120 की स्पीड यार, 132 मीटर की किलोमीटर की स्पीड, 134 135 भाई साहब। और ये देखिए अंदर से बैठ करके बिल्कुल पता नहीं चलता है, देखो जंगल का इलाका है साइड में, देखो सिटी आ गई है और येलो सिग्नल आ गया है, तो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे अभी ट्रेन को। और वैसे मैं करता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी करता हूँ।
अभी आगे भी येलो सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है और बेंगलुरु की दूरी जो रह गई है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 41 मिनट की रह गई है। येलो सिग्नल नहीं था, सीधा रेड सिग्नल था, जिसको उन्होंने हमारी स्पीड को देख करके तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया। हम इसलिए धीरे चलते हैं ट्रेन को, प्लेटफॉर्म पर धीरे चलाते हैं कि कभी भी हमें रेड सिग्नल मिल जाता है दोस्तों, इससे आगे हमें परेशानी ना। और दोस्तों देखिए 1 घंटे 36 मिनट की दूरी रह गई है बस, हम पहुंचेंगे सीधा भाई बेंगलुरु। भाई देखो इंजन यार कितना प्यारा लग रहा है यार, आई रियली लव दिस इंजन। और देखिए भाई साइड में कुछ इस तरीके से नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं और स्पीड में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगी। हमें अंडर स्पीड बताया जा रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड ही हमें बताई गई है कि आपको चलना है, लेकिन भाई हमारी लाइट क्लियर है और हम जा सकते हैं 130 की स्पीड में, तो हम क्यों जाएंगे 100 किलोमीटर की स्पीड। ये देखो तो भाई साहब यार क्या बेहतरीन चल रही है हमारी यार F7 कोलकाता एक्सप्रेस। तो यार कोलकाता में रहने वालों एक लाइक जरूर कर देना, और या विजयवाड़ा में हो या भुवनेश्वर में हो या बेंगलुरु में, जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ एक लाइक कर देना इस वीडियो के लिए, इस F7 के इंजन के लिए। और जिसने मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका भी कोई चैनल है तो मुझे बता देना, सब्सक्राइब कर दूंगा, मैसेज कर देना। और भाई देखो साइड पर क्या नज़ारा है यार, भाई ये देखो क्रॉसिंग, भाई साहब लिटरली यार क्या क्रॉसिंग की स्पीड में एकदम क्रॉसिंग होती है ना दोस्तों। थोड़ा सा लगता है डर के भाई साहब हमारी ट्रेन पटरी से ना उतर जाए, और हमारा देखो दोस्तों अभी बेंगलुरु आ गया है 1700 मीटर की दूरी पर है बस, और अभी हमारी आई थिंक रेस भी लगने वाली है इस ट्रेन के साथ जो साइड में चल रही है अपनी। और ये थी दोस्तों हमारी गोवा एक्सप्रेस, जिसके साथ हमारी अभी रेस लग चुकी है दोस्तों। और F7 हमारे अपने आप में काफ़ी पावरफुल इंजन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने F7 से F4 को मतलब कोलकाता एक्सप्रेस ने गोवा एक्सप्रेस को हरा दिया है दोस्तों। देखिए साइड में चल रहा है वो इंजन, और हम पहुँचेंगे बेंगलुरु बस 1200 मीटर की दूरी पर दोस्तों। और भाई ये देखिए एक इस रेस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। और आपको क्योंकि आने वाले टाइम में राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी, क्लासिक राजधानी, क्लासिक शताब्दी, इन सब की रेस देखने को मिलेगी आगे। सब मेरे ओपन हो चुके हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट जो बनाऊँगा गेमिंग वीडियो वो अच्छी ट्रेन के साथ बनाऊँगा। लेकिन आज ये इंजन हमारा डिज़ाइन किया था हमने वाइट से, इसको डिज़ाइन किया था येलो में, तो मेरा मन था इसको सिलेक्ट करके चलाने का ताकि हम देख सकें कि कैसा लगता है अभी हमारा ये वाला इंजन चलते हुए। तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, और अभी हम ट्रेन को रोकने वाले हैं 600 मीटर की दूरी पर, हमारा बेंगलुरु स्टेशन है, आगे हमें 300 मीटर की दूरी पर दिया गया है येलो सिग्नल। तो हमने अपनी स्पीड को भाई कम कर लिया है दोस्तों, और वीडियो में मुझे धन्यवाद दोस्तों, मुझे के बराबर फिर से हमारे बेंगलुरु का स्टेशन आ गया, कोई बात नहीं अब हमारा स्टेशन आ गया है तो हम आराम से ट्रेन को रोकेंगे और आराम से ताकि सिग्नल वगैरह क्रॉस ना हो और कोई परेशानी ना आए उसको, तो इसलिए उसको ट्रेन को रोकेंगे ताकि सारे पैसेंजर्स अपने आप आराम से उतर जाएँ और हमें कोई भी परेशानी देखने को ना मिले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा बेंगलुरु का स्टेशन आ गया है और हम ट्रेन को रोकने जा रहे हैं, और वीडियो जितना जिन भाइयों ने भी पूरी देखी है उनके लिए दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। और डोर्स अभी ओपन कर देते हैं और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट गेम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर्स नितिन।